हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं नासिक मुंबई हाईवे के सबसे फेमस ढाबे पे, जिसका नाम है सिद्धू दा ढाबा, जो हम पंजाबी लोगों का सबसे फेवरेट है। और यहाँ का नॉनवेज और वेज फूड एकदम डिलीशियस है। हम जब भी मुंबई जाते हैं या नासिक वापस आते हैं, उस टाइम पे हम ज़रूर इस ढाबे को विज़िट करते हैं। वैसे ये मिड आफ्टरनून का टाइम था, इसलिए यहाँ ज़्यादा रश आपको दिख नहीं रही थी। अगर आप यहाँ नाइट में आओगे तो वेटिंग के लिए आपको बाहर रुकना पड़ेगा। हमारी कार पार्क हो चुकी थी। चलो तो फिर मैं आप सब लोगों को सिद्धू दा ढाबा के अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ का एम्बियंस बहुत लेविश नहीं है, लेकिन इनके फूड क्वालिटी के वजह से इनके यहाँ हमेशा ही पब्लिक की रश होती है। और ये ढाबे की एक और खासियत है कि इन्हें दारा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका एड्रेस है, ये इनका डाइनिंग सेशन है, जहाँ जेंट्स लोग बैठ के खाने को एंजॉय करते हैं। ये इनका किचन सेक्शन है, जहाँ पे ये डिलीशियस फूड को कुक करते हैं। ये बिलिंग काउंटर है और सामने आप एसी डाइनिंग हॉल देख सकते हो। हमने इनका फैमिली सेक्शन में बैठ के फूड को एंजॉय किया। ये इनका मेनू कार्ड है। मेनू कार्ड तो इनका बहुत ज़्यादा वास्ट है, और आप इनकी कोई भी डिश पिक कर लो, वो टेस्ट में एकदम फिंगर लिकिंग डिलीशियस होती ही होती है। चाहे आप वेज सेक्शन लो या नॉन वेज सेक्शन लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही ऑथेंटिक पंजाबी टेस्ट में है। हमने फूड को ऑर्डर किया और फैमिली के साथ गपशप मारते हुए यहाँ के एटमॉस्फेयर को हम एंजॉय कर रहे थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और हाँ, अगर आपने सिद्धू के ढाबे को विज़िट किया तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यहाँ का फूड कैसा लगा है। यहाँ हमारी सबसे पहली ऑर्डर आ चुकी है, जो कि शेजवान चटनी और ऑथेंटिक ग्रीन चिली चटनी से सर्व किया है। वो है चना कोली वड़ा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी मैं सिद्धू के ढाबे पे जाऊंगी, वहाँ का चना कोली वड़ा मोस्ट फेमस है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद इनकी सबसे फेमस है सीताफल क्रीम, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे फैमिलीज उसे डेजर्ट में खाते हैं, हमारे पापा जी को उसे टेस्ट करना था, इसलिए हमने उसे पहले ही ऑर्डर किया। वो कुछ इस तरह से दिखती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। 150 रुपीज़ में वो हमें सर्व करते हैं। उसके बाद खाने में हमने यहाँ ऑर्डर किया था मशरूम मसाला और दाल मखनी। नॉनवेज का आज डे नहीं था, तो नॉनवेज को हमने स्किप किया। और आप देख सकते हो, एकदम पंजाब वाली दाल मखनी, वो भी क्रीम ऊपर से डालते हुए इन्होंने हमें ऑथेंटिक वे में सर्व किया था। और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, अरोमा ही इनका एकदम फ्लेवरफुल आ रहा था। पनीर हर बार खाते हैं, इसलिए इस बार हमने मशरूम मसाला को मंगाया था। मशरूम मसाला भी इनका बहुत ही अच्छा था, उसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं थे और कुछ इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था। दोनों भी डिशेस इनकी खाने में बहुत ही टेस्टी थी, और चना कोली वड़ा की तो बात ही कुछ और है। हमारे मम्मा का भी वो बहुत फेवरेट है, और पूरे फैमिली का चना कोली वड़ा सिद्धू के ढाबे का तो फेवरेट है ही। वैसे बॉम्बे नासिक हाईवे की बात करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, लेकिन ये ढाबा मैं स्पेशली आपको इसलिए प्रेफर करना चाहती हूँ क्योंकि ये एकदम पंजाबी टेस्ट में सर्व करते हैं और इनके खाने की क्वालिटी एकदम 10/10 है। तंदूरी रोटी बटर वाली मेरी तो फेवरेट है ही, लेकिन ओनियन के बिना खाना अधूरा रहता है। ऑनियन और लेमन जब खाने में मिक्स होता है तो खाने का मज़ा कुछ और ही आता है। वैसे ऑनियन और लेमन सबका फेवरेट होगा ही। इसी के साथ हमने सिद्धू का ढाबा फैमिली के साथ में एंजॉय किया, और लास्ट में फेंटा को एंजॉय करते हुए हमने सिद्धू के ढाबा को टाटा बाय बाय किया। अगर आप भी कभी मुंबई से नासिक जा रहे हो या नासिक से मुंबई आ रहे हो तो ये ढाबे को ज़रूर विज़िट करना। और आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगा है।
गाड़ी में बैठते के साथ ही नासिक के लिए हम फैमिली के साथ निकल चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और ढेर सारे वीडियोस और फूड वेंचर्स को लेके आ सकूँ और आपके साथ में नई नई जगह को एंजॉय कर सकूँ। वैसे नासिक मुंबई ट्रिप तो मेरी सबसे फेवरेट है। Okay, bye-bye. Till the time, you take care. Enjoy with your family and friends. Eat healthy. Stay healthy. We'll see you in next video with lots of entertainment and new food ventures.